गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर, क्लास 11 कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, बिफोर दिस वीडियो वी मेड अ लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर फर्स्ट चैप्टर टॉपिक्स इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। Therefore, in this video, the very first video of first chapter, Economics Introduction, today we are going to analyze and describe the economics, economy and central problem. First of all, economics. What do you mean by economics as a subject? It may be asked that why economics as a subject emerge. तो इकोनॉमिक्स, हमने कहा है कि इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट स्टेटस दैट हाउ वी कैन फुलफिल आवर वेरियस एंड डिफरेंशिएटेड नीड्स विथ स्केयर रिसोर्सेज एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु के रूप में हमें यह बताता है कि हम किस प्रकार अपनी असीमित एवं विभेदीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित संसाधनों एवं उनके वैकल्पिक प्रयोगों से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट status that how we can fulfill our various and differentiated needs with scarce resources and their alternative uses. हमने पहले भी कहा है कि economics is a science of adjustment. किस तरह से हम अपने life को in the environment of scarce resources हम कैसे उसको adjust करते हैं, तो उसका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। एंड ड्यू टू दिस इट इज द स्टेट दैट इकोनॉमिक्स इज अ सेंस ऑफ एडजस्टमेंट अमंग स्केयर रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट स्टेटस दैट हाउ वी कैन फुलफिल आवर वेरियस एंड डिफरेंशिएटेड नीड्स विथ स्केयर रिसोर्सेज एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस। दूसरा है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। हमने पहले भी कहा था कि अर्थ का मतलब होता है रिसोर्स, अर्थव्यवस्था तो इसमें अर्थ का मतलब होता है रिसोर्स और व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। देयरफॉर वी कैन डिफाइन इकोनॉमी एज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। यानी अर्थव्यवस्था कहीं भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, और उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी स्केयर रिसोर्सेज को अगर हम सिस्टमेटिक अरेंज करें तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी। सबसे छोटा एग्जांपल जो अर्थव्यवस्था का होता है वो है हमारा फैमिली, जिसमें कि जिस अर्थव्यवस्था को हमारी माँ चलाती है, पापा महीना में एक बार पैसा लाते हैं और फिर उसको सिस्टमेटिक उसको अरेंज करके पूरा महीना का खर्च चलाया जाता है। उसी तरह से उससे बड़ी अर्थव्यवस्था बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तो सभी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो वास्तविक में अपने आप को अरेंजमेंट करती हैं, सिस्टमेटिक अरेंज करती हैं अपने इसके रिसोर्सेज को, वो सभी इकोनॉमी कहलाती हैं। दूसरे रूप में अगर ब्रॉड सेंस में हम इकोनॉमी को एनालाइज करें तो हम कह सकते हैं कि इट रेफर ए ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी इन विच ए लॉट ऑफ पीपल लिव टूगेदर एंड यूज टू एंगेज देयर सेल्व्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज दैट दे कैन फुलफिल देयर डिफरेंशिएटेड नीड्स। दस एन इकोनॉमी हैज थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। यानी अर्थव्यवस्था एक लोगों के एक समूह अथवा समाज के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हुए अपने आप को अलग अलग कार्य क्षेत्रों में संलग्न करते हैं। एंगेज देयर सेल्फ्स इंटू डिफरेंट एक्टिविटीज दैट दे कैन फुलफिल देयर डिफरेंशिएटेड नीड्स, ताकि वे अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दस एन इकोनॉमी हैज थ्री सेक्टर्स, और इसी कारण इकोनॉमी
जो होता है उसके तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर इन विच फॉरेस्ट्री, फिशरीज, माइंस ये सब आते हैं, एग्रीकल्चर आते हैं मोस्टली. तो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर रेफर्स दैट सेक्टर इन विच वी गेट आवर प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तीसरा टर्शियरी सेक्टर है, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का दो मीनिंग हम लोग लेते हैं. पहला मीनिंग हम लोग लेते हैं कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड ड्यू टू दिस देयर इज नीड टू बी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज अबेंडेंट होते हैं तो फिर हमको कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती. बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर सो देयर इज नीड टू बी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज. दूसरा है, इट दूसरे रूप में हम इकोनॉमी को परिभाषित कर सकते हैं कि इट रेफर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. अगर ग्रुप ऑफ पीपल हम कहते हैं तो जैसे फैमिली है तो वो छोटा इकोनॉमी है, वो ग्रुप ऑफ पीपल कहला सकता है. ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी, अगर बड़े इकोनॉमी की हम बात करते हैं जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज सभी को एक साथ मिलकर रहते हैं और सभी को अपने आप को अलग अलग कार्य क्षेत्रों में संलग्न किए हुए हैं. इसलिए क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, विविधीकृत हैं. अगर हम सभी कोई खेती करेंगे तो फिर हमारे लिए कपड़ा कौन बनाएगा, हमारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन, हम जब बीमार पड़ेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा. तो बिकॉज आवर नीड्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड ड्यू टू दिस वी हैव टू बी एंगेज आवर सेल्फ इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी कैन फुलफिल आवर वेरियस एंड डिफरेंशिएटेड नीड्स. And due to this, an economy has three sectors: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Now, the third point is central problem of an economy. It is a very hot topic of this chapter that the central problem of an economy. अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की, चाहे वो छोटी अर्थव्यवस्था हो या बड़ी अर्थव्यवस्था हो, एक परिवार की अर्थव्यवस्था हो या किसी राज्य की या देश की अर्थव्यवस्था हो, हर एक अर्थव्यवस्था के सामने एक ही कॉमन सेंट्रल प्रॉब्लम है. और वो सेंट्रल कॉमन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? तो उसमें तीन एस्पेक्ट्स हैं. पहला है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि सारा सेंट्रल प्रॉब्लम का जड़ स्केयर रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन है. सीमित संसाधन किस मायने में? तो स्केयर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ आवर वॉन्ट्स एंड नीड्स, हमारी आवश्यकताओं और जरूरतों की तुलना में जो संसाधन है वो सीमित है. इट इज अ प्रॉब्लम. लेकिन यही सेंट्रल प्रॉब्लम है ये हम नहीं कह सकते हैं. स्केयर रिसोर्सेज इज अ बिग प्रॉब्लम, इज अ बिग प्रॉब्लम नो डाउट, बिकॉज स्केयर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ आवर वॉन्ट्स एंड लिम्स वॉन्ट्स एंड नीड्स इज अ बिग प्रॉब्लम. दूसरा है कि दूसरा एस्पेक्ट कहता है कि रिसोर्सेज स्केयर हैं, ये प्रॉब्लम है. अल्टरनेटिव यूजेज जो उस स्केयर रिसोर्सेज के हैं, इट मींस कि दैट पर्टिकुलर रिसोर्स कैन बी यूज डिफरेंटली, यानी उस पर्टिकुलर जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उसको भी हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, उसके वेरियस यूज हैं. तो अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज मेक द प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन इसको भी क्या हम सेंट्रल प्रॉब्लम कह सकते हैं? तो नहीं. स्केयर रिसोर्सेज इज अ प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज मेक द प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज ऑल्सो नॉट ए एग्जैक्ट सेंट्रल प्रॉब्लम. देन वॉट इज एग्जैक्ट सेंट्रल प्रॉब्लम? तो सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में कहा जाता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू दीज टू थिंग्स, scarce resources and their alternative uses. Scarce resources is a problem, their alternative uses make the problem more complicated, because whenever there is alternative uses of a resources, then we have to be think upon various use
And we have to be thinking that where we can engage or exhaust that scarce resources for better livelihood, for better life standard. तो हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है. तो इसलिए alternative uses of scarce resources make the problem more complicated, but not exact central problem. Then central problem is which is arise on the basis of these two problem. Central problem of an economy arise due to these two problem. On the one hand, there is scarce resources. On the other hand, there is alternative uses of scarce resources. And the central problem arise due to these two problem, scarce resources and alternative uses of scarce resources, and that is allocation of scarce resources in different uses. यानी जो मुख्य केंद्रीय समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था की वो है सीमित संसाधनों का आवंटन, कि अब जो सीमित संसाधन हमारे पास हैं उनका हम आवंटन कैसे करेंगे. आवंटन कहो या उसको वितरण कह सकते हैं, कि उसका वितरण हम कैसे करेंगे अलग अलग यूजों में, क्योंकि उसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं. तो उसको अलग अलग यूजों में हम कैसे आवंटन करेंगे, ये मुख्य समस्या है. जैसे मान लीजिए कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आधारभूत संरचना की कमी, भ्रष्टाचार, करप्शन, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन इसके लिए जो हमको आतंकवाद से भी लड़ना है, हमको पाकिस्तान से भी सलटना है, तो इसके लिए जो रिसोर्सेज है नरेंद्र मोदी के पास, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के पास, वो सीमित है. तो हर एक साल वेन बजट जब बनता है तो सबसे बड़ी समस्या जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने होती है वो ये होती है कि अब इस सीमित संसाधन यानी सीमित पैसे में से कितना बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए रखा जाए, कितना गरीबी के उन्मूलन के लिए, कितना जो है सो ग्रामीण सड़कों के लिए, आधारभूत संरचना के लिए, कितना आतंकवाद के लिए, और कितना का राफेल मंगवाया जाए, कितने के कितना का जो है सो वार युद्ध के लिए और अन्य डिफेंस के इक्विपमेंट के लिए कितना रखा जाए. तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम विच अराइज इन फ्रंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एवरी ईयर वेन एवर वी गोइंग टू मेक ओवर आवर बजट. तो ये बड़ी समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने. तो किसी भी छोटे परिवार में भी यही समस्या होती है कि हम संसाधनों को आवंटन कैसे करें, बच्चों के पढ़ाई के लिए कितना रखें, दादा दादी के इलाज के लिए कितना रखें, और भविष्य में जो काम होने वाले हैं घरों में उसके लिए कितना रखें. तो आई होप अंडरस्टैंड दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. यू हैव टू बी राइट डाउन इट इन योर होमवर्क और फेयर नोटबुक एंड ऑल्सो रिमेम्बर इट, बिकॉज सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मे बी केम इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस टॉपिक. And you have to be understand this topic very clearly, because these are basic chapters which can help you in next chapters. So please clear your concept regarding economy, economics and central problem. In next video, we talk about the various forms of central problem, like what to produce, how to produce and for whom to be produced. Till then, bye, take care, stay home, safe home.